हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रियल एडवेंचर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का स्पेशल ब्लॉग वीडियो मैंने बनाया है पटना बानसवाड़ी हम सफ़र पे। पटना बानसवाड़ी हम सफ़र का ट्रेन नंबर है 22353। इस ट्रेन का परिचालन पटना से हर थर्सडे को 8:15 होता है और यात्रा में ये ट्रेन दो रात्रि होते हुए बानसवाड़ी रात के 9 बजे शनिवार को पहुंचती है। इस ट्रेन को इस सेंट्रल रेलवे द्वारा चलाया जाता है। इस ट्रेन में कुल 18 थर्ड एसी एलएचपी कोचेज हैं, जिनमें यात्रियों को पूरी अच्छी सुविधा प्रदान की गई है, जिनमें से इस ट्रेन में 2 एसी के तरह साइड में पर्दे लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों की प्राइवेसी मेंटेन रह सके। साथ में एलईडी डिस्प्ले बोर्ड्स भी लगाया गया, इससे ट्रेन और स्टेशन के जानकारी मिल सके। ट्रेन की स्पीड भी इस एलसीडी बोर्ड के द्वारा बताई जाती है। साथ में इस ट्रेन में वेंडिंग मशीन्स टी, कॉफ़ी और मिल्क के लिए लगाई गई है। चार्जिंग पॉइंट्स की भी अच्छी सुविधा है, जिसमें आप लैपटॉप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। साथ में इसमें जो पहले के थर्ड एसी टायर्स के जो रैक होते हैं, उससे ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा चौड़े सीट्स का भी प्रबंध किया गया है। साथ में इसके एक्सटीरियर को भी काफ़ी बेहद अच्छा फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। पहले की ट्रेन में के लुक्स काफ़ी नॉर्मल से होते थे, पर अब न्यू एक्सटीरियर्स जो विनाइल सीट्स के प्रयोग से लगाया गया है, ये काफ़ी सुंदर है। इसमें साथ में कई नई फैसिलिटीज़ को जोड़ा गया है सिक्योरिटी पर्पज़ को बढ़ाते हुए। इसमें LED लाइट्स का यूज़ किया गया है, साथ में कैमरे लगाए गए हैं और साथ में नए डस्टबिन्स भी लगाए गए हैं। और अगर फायर का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इससे लिए फायर एक्सटिंग्विशर की भी व्यवस्था की गई है। काफ़ी अच्छे बेसिन्स भी लगाए गए हैं, मिरर्स भी हैं इस ट्रेन में। पहले आप घर से जब खाना लाते थे, उसको रखने की सुविधा नहीं होती थी, जिस कारण से वो ख़राब हो जाता था। और इस ट्रेन में हीटिंग चैम्बर्स की भी व्यवस्था की गई है और साथ में रेफ्रिजरेटिंग बॉक्स भी रखा गया है, जिससे आप खाने को अच्छे से सेफली रख सकें और उसको प्रयोग कर सकें। साथ में खादी बेड रोल्स इसमें जो यूज़ किए गए हैं, बेड रोल्स वो सारे खादी के बने हुए हैं। इससे हम अपने देश की संस्कृति और देश में बने हुए चीज़ को भी आगे बढ़ावा दे रहे हैं। इस ट्रेन में और भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है। हम चलते हैं कोच के अंदर। आप देख पा रहे हैं 2 कलर के सीट का यूज़ किया गया है, ब्राउन कलर की सीट ऊपर में और नीचे ग्रीन कलर की है। ऊपर LCD स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू। साथ में स्मोक डिटेक्टर देख पा रहे हैं, कैमरा देख पा रहे हैं, जिससे कोचों में सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है। यात्री काफ़ी सुरक्षित अब अपना सफ़र कर पा रहे हैं। पहले कोचों में काफ़ी चोरी की घटना हुआ करती थी, जिससे यात्रियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता था, पर अभी कैमरे लगने के बाद ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप देख पा रहे हैं रीडिंग लाइट की भी व्यवस्था की गई है, साथ में चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। और ट्रेन्स के ये जो नंबर लिखे गए हैं, सीट नंबर, ये ब्रेल लिपि में भी लिखा गया है, जिससे दिव्यांगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसमें एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई है, जो साइड लोअर बर्थ होता है, उसमें 2 सीट को जोड़ के हम बैठते थे, तो उसमें बीच में स्पेस रह जाता था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी, पीठ में उनको आराम नहीं मिलता था। इसमें एक साइड से एक सीट दी गई है, एक्स्ट्रा सीट, जिसको जब हम सोना हो तो उसको बगल से हम निकाल के ऊपर कर सकते हैं और फिर हम पूरा आराम से बिना किसी गैप के अच्छे से सो सकते हैं, जिससे हमें हमारे पीठ को भी कोई परेशानी ना हो। साथ में ऊपर अपर बर्थ चढ़ने के लिए स्टेयर्स की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री को काफ़ी सुविधा हुई है और उनको परेशानी काफ़ी उनकी हद तक कम हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करें और इसे लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।